अब शहर की यातायात व्यवस्था और सुदृढ़ और बेहतर होगी। बता दें, तैयारियां और व्यवस्था बेहतर करने के लिए नेहरू नगर टोल प्लाजा को हटाया जाएगा। साथ ही नेहरू नगर से प्रियदर्शनी परिसर पहुंच मार्ग को भी व्यवस्थित किया जाएगा। साथ ही साथ 25 करोड़ रुपए की लागत से दोनों तरफ रोड चौड़ीकरण का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी विधायक राकेश सेन ने न्यूज टीम को दी है। यातायात को लेकर जो पुराना टोल प्लाजा है उसे तोड़ने का प्लान किए हैं और साथ में 25 करोड़ की लागत से दोनों तरफ जो है चौड़ीकरण की व्यवस्था, ताकि थोड़ा सा ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार सके। और राधिका नगर से प्रियदर्शनी परिसर जाने वालों के लिए अंडर पास एक वो बनाया जाए जिससे लोग अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर से जा सके, उसके लिए प्रस्ताव देने की आवश्यकता है। लेकिन 2 महीने के अंदर टोल प्लाजा को तोड़ दिया जाएगा और 25 करोड़ की लागत से वहाँ पर काम चालू हो जाएगा।